हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो में आपके BTC DLED थर्ड सेमेस्टर से, जो आपका मैं सॉल्यूशन को लेकर के बात कर रहा था। साइंस के 2016 का ये क्वेश्चन पेपर है आपका, और आपका ये होगा पार्ट टू। भाग दो में हम सभी लघुतरीय सवालों के उत्तर के बारे में पूरी तरीके से बात करेंगे, तो वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसमें कुछ ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके, और रिपीटेटिव मैनर में आपके पूछे गए हैं अलग अलग तरीके से। उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि कैसे वो सवाल आपके पूछे गए हैं। दोस्तों, 12 नंबर सवाल जो आपका था 11 तक के बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। साइंस की प्लेलिस्ट अलग से DLED थर्ड सेमेस्टर की बनी हुई है, उसी में आपका जो है रिगार्डिंग वीडियो, उसी में पार्ट 1 मिल जाएगा। यहाँ पर 12 नंबर सवाल है, पर्यावरण संरक्षण से आप क्या समझते हो, और अपने स्तर से आप पर्यावरण को कैसे संरक्षित कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप जब पर्यावरण को डिफाइन करने चलोगे पर्यावरण संरक्षण को लेकर के, तो थोड़ा सा पर्यावरण के बारे में बता देना कि जो पर्यावरण है वो आपका एक ऐसा बाह्य बल होता है जो मानव जीवन को प्रभावित करता है। मतलब आपकी जो लाइफ होती है, जो डेली लाइफ्स है, उसको वो अफेक्ट करता है। पर्यावरण में आपकी सारी चीज़ें आती हैं, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल आपका, ठीक है, जायुमंडल सभी देखने को मिलता है। तो स्थलमंडल भी, जलमंडल भी, सभी आपको प्रभावित कर रहे होते हैं। जैसे जिस तरीके से एक बल जो है किसी भी वस्तु को प्रभावित करता है, मतलब उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसका सकता है, वैसे ही आपके जीवन को प्रभावित कर रहे होते हैं पर्यावरण, या उनके जो भी उनके फैक्टर्स होते हैं। आशा करते हैं कि आपको पर्यावरण का मतलब समझ में आया होगा, या फिर परिपल धन आवरण करके आप, परि मतलब चारों ओर होता है, आवरण मतलब घेरा, आप इसको ऐसे भी समझा सकते हो। दोस्तों, अगर बात की जाए यहाँ पर आपके पर्यावरण संरक्षण को लेकर के, तो ध्यान दीजिएगा, जो भी चीज़ें हो रही हैं बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हो कि आसपास आपके क्या हो रहा है, पर्यावरण को नुकसान कैसे पहुंचाया जा रहा है और सारी चीज़ें। अगर आप पर्यावरण संरक्षण के उपाय को अगर आपने डिफाइन कर दिया, ध्यान दीजिएगा, तो आप समझिए पर्यावरण को भी आप डिफाइन कर रहे हो। सबसे पहली बात है, आप पर्यावरण सुरक्षा के लिए जो सेमिनार होते हैं, जो वर्कशॉप्स होते हैं यानी कार्यशालाएँ, उसका आप आयोजन करवाइए। उसमें आप बताइए कि जो एनवायरनमेंट है उसके कंजर्वेशन या प्रोटेक्शन जो है कितना कुछ ज़रूरी है, क्यों हमें करना चाहिए, कितनी हद तक करना चाहिए, ये सारी बातें आप जन जागरूकता फैलाएं, लोगों में बातें ये चीज़ बताएं कि भाई पेड़ हैं तो हम हैं, तभी हमको ऑक्सीजन मिलती है, हम जिंदा रहते हैं और सारी बातें, ठीक है। जितने आपके प्राकृतिक संसाधन हैं वो आपके पर्यावरण में ही देखने को मिलते हैं, उनके बारे में भी बताएं कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी क्या कुछ कितनी अहमियत है हमारे जीवन में। तो ये जन जागरूकता के माध्यम से भी आप बता सकते हो। पर्यावरण सुरक्षा या पर्यावरण के सुरक्षा के लिए उनसे संबंधित कठोर कानूनों को भी बना करके इनको संरक्षित रखा जा सकता है। तीसरा बिंदु है आपका ये, ठीक है, मैं थर्ड पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूँ। चौथा पॉइंट आप लिख सकते हो कि विषाक्त धुआं विसर्जन वाले वाहन, जो एक तरीके से आप इस समय भारत स्टेज 4, ये नाम सुने होंगे ना, BS4, इस समय BS4 के इंजन लगाए जा रहे हैं, भारत स्टेज 4 के, कोई BS2, BS3, BS3 यूज़ कर रहे हैं, उसको जो है वहाँ पर बचें, पूरी तरीके से वाहनों पर रोक लगाएं, क्योंकि वो विषाक्त एक तरीके से ऐसे होता नहीं है कि आपका जो है विष से युक्त धुआं पूरी तरीके से जो आपके फेफड़ों को और सबको नुकसान पहुँचा सकता है पूरी तरीके से, ठीक है, उन पर रोक लगनी चाहिए। वन के उन्मूलन पर रोक लगनी चाहिए, उन्हें वनों की कटाई पर रोक, वनारोपण करना चाहिए यानी वन का आरोपण करना चाहिए, प्राकृतिक संसाधनों के महत्व को बताना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं जिनको आप वहाँ पर लिख सकते हो। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, स्टरलाइजेशन विधि से खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों से कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। स्टरलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके माध्यम से खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों से मुक्त किया जाता है। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अलग किए जाते हैं, इससे खाद्य पदार्थ जो है एक निश्चित समय तक वो खराब नहीं होते हैं। और फ्रिज एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा सामान्य ताप से कम ताप यानी 5 डिग्री से लेकर के 10 डिग्री उत्पन्न करके सूक्ष्म जीवों के उपापचयी जो क्रियाएं होती हैं, जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ होती हैं, उन पर वो उनकी वृद्धि को नियंत्रित पूरी तरीके से किया जाता है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि फ्रिज का जो उपयोग होता है फल, सब्जियां, खाद्य पदार्थों आदि को संरक्षित करने के लिए या फिर पेय पदार्थों को ठंडा करने के लिए किया जाता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्टरलाइजेशन, और सबसे बढ़िया एग्जांपल है इसका फ्रिज, रेफ्रिजरेटर जो भी बोलते हो भाई आप। 214 नंबर सवाल है, अभिसारी और अपसारी लेंस में क्या अंतर है, संक्षेप में बताइए। अभी अभी अन अकेडमी पर जो है आज मैंने ये लेक्चर जो है बताया हुआ है अभी, ठीक है,
आपको मिलेगा इसके बारे में। और अनअकैडमी पर साइंस जो है बस एक ध्वनि टॉपिक बचा है, वो भी आपका कंप्लीट करके विज्ञान थर्ड सेमेस्टर का आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो का एक बार डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा, लिंक आपको सीधे मिल जाएगी, कहीं और जाने और खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वहां से जाकर के सीधे पढ़ सकते हो। तो अभिसारी और अपसारी लेंस पढ़ते हैं भाई, ये आपका उत्तल और अवतल लेंस ही हैं, जरा पढ़ते हैं इनके बारे में। यहाँ पर सामान्यतः जो है लेंस जो है वो दो प्रकार के होते हैं, थोड़ा हम डिटेल में आते हैं भाई। यहाँ पर अपने लिखा हुआ है लेंस, और ये जो आप इस समय नोट्स देख रहे हो इसे अभी हमें अनअकैडमी पर बताना है पूरी तरीके से। लिखा हुआ है दो गोलीय पृष्ठों या फिर एक गोलीय या फिर एक समतल पृष्ठ से जो घिरा पारदर्शी माध्यम होता है, ये गोलीय पृष्ठ क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम अनअकैडमी पर जाइए। गोलीय दर्पण मैंने पढ़ाया है आपका, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, सब चीज़ें मैंने बताई हुई हैं वहाँ पर, उनको आप लेंस कह देते हो। दोस्तों इनका जो प्रयोग होता है प्रोजेक्टर्स में, कैमरा में, सूक्ष्मदर्शी में, टेलीस्कोप में इनका प्रयोग हो रहा होता है, और ये दो प्रकार के होते हैं। कॉन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस होता है जो कि बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है। जरा देखिए इसको, यहाँ बीच पर मोटा है और यहाँ किनारों पर पतला है, ये क्या है आपका, एक उत्तल लेंस है। इंग्लिश में आप इसको कॉन्वेक्स लेंस बोलते हो। उत्तल लेंस जो है वो अनंत से आने वाली किरणों को सिकोड़ता है, मतलब एक जगह पर ला करके इकट्ठा कर देता है, इसीलिए आप इसे अभिसारी लेंस कहते हो। आपके क्वेश्चन पेपर में उत्तल और अवतल ना दे करके दूसरा नाम उसका अभिसारी और अपसारी लेंस दे दिया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कन्वर्जिंग जो लेंस होता है या फिर डाइवर्जिंग लेंस, जो डाइवर्जन कर रहा होता है किसका, सन रेज का, वो कौन सा होता है, या जो कन्वर्ज कर रहा होता है वो कौन सा होता है, ठीक है। चलिए फिर अवतल लेंस पर आते हैं, इनके तीन प्रकार आप लिख दीजिएगा, उभय उत्तल, समतल उत्तल, अवतलोत्तल करके हैं। वहीं जब आप अवतल लेंस की बात की के बारे में बात करोगे तो बीच में पतले होते हैं और किनारों पर मोटे होते हैं। जरा इनको देखिए, बीच में पतला है और किनारों पर मोटा है, ये है आपका अवतल लेंस। इन्हें अपसारी लेंस भी कहते हैं क्योंकि जो भी सन रेज आती हैं इनको ये फैला देते हैं, किसी एक बिंदु पर से फैला देते हैं ये। और ये भी तीन प्रकार के होते हैं, अभयावतल करके लिखा हुआ है, समतल अवतल और उत्तलावतल करके, ठीक है। चलिए आशा करते हैं इतने बिंदु आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। बाकी ये सारी चीज़ें क्या है, लेंस का सूत्र 1/f=1/v/u, इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अनअकैडमी पर। आवर्धन के बारे में भी वही हम बात करेंगे। दोस्तों लेंस के उपयोग के बारे में बात कर रहे हैं, चूँकि हम अपसारी और अभिसारी के बीच में अंतर पढ़ रहे हैं। जो आपका उत्तल लेंस है जिसको आप अभी अभिसारी बोल के आए हो, दूरदृष्टि दोष के लिए यूज़ होता है आपका, जिसको हाइपरमेट्रोपिया आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, उसने ये भी नहीं दिया दूरदृष्टि दोष, उसने लिख दिया हाइपरमेट्रोपिया क्या है, और दो मार्क्स में पूछा था, वो दूरदृष्टि दोष ही है भाई, उसी का दूसरा नाम हाइपरमेट्रोपिया है। और निकट दृष्टि दोष को मायोपिया बोलते हैं। एक एक चीज़ों को आप समझते चलिए सारी तरीके से, ठीक है, समझना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा भी चेंज कर देगा क्वेश्चन पेपर में तो, अगर आप समझोगे नहीं तो दिक्कत हो जाएगी फिर ऐसे उसमें। दूरदर्शी, फोटो कैमरा, सूक्ष्मदर्शी में यूज़ में आते हैं, चिकित्सा में आते हैं, घड़ी के पुर्जों में आते हैं। वही आउटर लेंस की जब आप बात करते हो तो इनको निकट दृष्टि दोष के लिए यूज़ किया जाता है, गैलीलियो की दूरदर्शी में भी। और मायोपिया, ध्यान दीजिएगा, इसको मायोपिया कहते हैं। तो निकट दृष्टि दोष, निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं दूर की नहीं, दूरदृष्टि दोष दूर की दिखाई देती हैं स्पष्ट, निकट की स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है। और यहाँ पर हाइपरमेट्रोपिया BDC 2017 का सवाल देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे। चलिए आशा करते हैं सवाल भी समझ में होगा। 15 नंबर सवाल पे आते हैं, धातु के संक्षारण हेतु अपनाई जाने वाली विभिन्न विधियों को संक्षेप में बताइए। धातुओं को क्षरण से बचाने के लिए आवश्यक है कि धातु को नमी तथा हवा से बचाया जाए। धातुओं को क्षरण से बचाने के लिए क्या करते हो आप, या तो मिश्र धातु बना दीजिए उसको, ठीक है। होता क्या है कि एक धातु में दूसरी धातु या फिर अधातु मिलाने पर वो अधिक कठोर, स्थायी और संक्षारण से सुरक्षित हो जाती है। जो भी उसमें जो जंग लगने वाली बात होती है ना, उससे सुरक्षित हो जाती है। स्टेनलेस स्टील हो गया, लोहा, कार्बन मिश्र धातु ऐसे हैं जो आसानी से जंग जिनमें नहीं लगती है। ग्रीस या तेल लगा करके आप सुरक्षित रख सकते हो। आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके, जिसको विद्युत लेपन बोलते हैं, उसको आप करके क्रोमियम, टिन, निकेल, वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन, नमी से प्रभावित नहीं होते हैं। लोहे का क्षरण रोकने के लिए उसके चारों ओर क्रोमियम या टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, इससे वो भी पूरी तरीके से बचे रखते हैं। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में, धातुओं के संक्षारण को लेकर के विभिन्न विधियों को के बारे में। पेंट पर लेप चढ़ा करके भी आप कह सकते हो, धातु चढ़ाना, गैल्वनीकरण, गैल्वनाइजेशन बोलते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये। अलग से भी आपसे पूछ सकता है कि गैल्वनाइजेशन प्रोसेस होती क्या है। लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे की चादर या अन्य पात्र को पिघलते हुए जस्ते में, जी हाँ, जस्ते में आप क्या करते हो, डुबो देते हो, जिसके कारण लोहा और पर जो है जस्ते की एक पतली परत चढ़ जाती है, इसी को आप जो है गैल्वनाइजेशन या गैल्वनीकरण करके आप बोलते हो,
आशा करते हैं ये पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा। 16 नंबर सवाल पूछा था अनुकूलन क्या है। यह अनुकूलन जिसको एडॉप्टेशन बोलते हो आप, जलीय मरुस्थलीय सभी के बारे में अकेडमी पर एक एक बातों के चीज़ों के बारे में हम बात कर चुके हैं, थोड़ा सा यहाँ भी जान लेते हैं। तो वहाँ आप लोग ज़रूर जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें अवेलेबल हैं आपका। सेकेंड सेमेस्टर पूरा सिलेबस, थर्ड सेमेस्टर में बहुत तेज़ी से वहाँ पर पढ़ा रहा हूँ इस समय। अनुकूलन में क्या है आपका, आकृति को लेकर के बात हो, आकार हो, रंग रूप संरचना या आवास संबंधी लक्षणों ने ऐसा परिवर्तन, कोई भी ऐसा परिवर्तन जो सजीव को विशेष पर्यावरण में सफलतापूर्वक जीवित रहने में सहायक। कहने का मतलब ये है आपके अकॉर्डिंगली जहाँ पर भी सर्वाइवल करने के लिए कंडीशंस मिले, आपके जीवित रहने की जहाँ पर भी दशाएं मिले, आपको लेकर के बात करो, किसी जीव जंतुओं को लेकर के बात करो, किसी जो है पेड़ पौधे को लेकर के बात करो, जहाँ कहीं भी उनके लिए उपयुक्त दशाएं अनुकूल दशाएं होगी वो आपका अनुकूलन होता है, एडॉप्टेशन होता है। जलीय अनुकूलन में क्या होता है, जब आप मछली की बात करते हो तो गिल्स फेफड़े उनमें जो है गिल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, और उनके द्वारा वो क्या करते हैं, धारा रेखी चपटे पंख होते हैं, ये सारी चीज़ें क्या है मछली के जल में तैरने के लिए, भोजन तलाशने के लिए, श्वसन के लिए, इन सभी के लिए एडॉप्टेशन यानी कि वो उसके लिए अनुकूलन का काम कर रही होती हैं और उनके प्रति वो अनुकूल होते हैं, अनुकूलन का काम करते हैं, जिसकी वजह से मेढक मछली जलकुंभी सिंघाड़ा ये सारे सर्वाइव कर पाते हैं जल में। वहीं जब आप मरुद्भिद जो है जलोद्भिद पौधे, इन पर जो पौधे पाए जाते हैं वो जलोद्भिद कहलाते हैं, मतलब जल से उद्भव हुआ। मरुस्थल की अगर आप बात करते हो, ठीक है, तो जैसे आप बात करते हो ना कि ऊँट कैसे जीवित रह लेता है पूरी तरीके से, ठीक है, तो आप कहते हो कि ठीक है वो पूरी तरीके से पानी को संजो करके रखता है 30 दिन के लिए या इतने दिन के लिए पानी रखता है पूरी तरीके से। तो आप इन चीज़ों के बारे में भी आप ये कह सकते हो, उनके जो अधिक बाल खुरदरी त्वचा होती है, लंबे गद्देदार पैर होते हैं जो रेगिस्तान में दौड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं, और यही रीज़न है कि वो सर्वाइव कर पाते हैं कहाँ, मरुस्थल में। तो मरुस्थलीय अनुकूलन को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो। दोस्तों 17 नंबर सवाल है, कार्बनिक रसायन का अभिप्राय क्या है। कार्बनिक यौगिकों में श्रृंखलन यानी कि कैटिनेशन की विशेषता को उदाहरण से ही समझाइए। ये भी मैं अनअकैडमी पर पढ़ा चुका हूँ, ये मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपको वहाँ एक एक लेक्चर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बताया गया है, जिसको आप जाकर के वहाँ से पूरी तरीके से पढ़ सकते हो, और आपका कौन सा सवाल किस ईयर में पूछा गया है वो भी मैंने वहाँ पर बताया हुआ है कि ये आपका इस ईयर में आया है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका इस ईयर में है ये इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं वहाँ पर। कार्बनिक रसायन लेकर के लिखा हुआ है कि कार्बनिक यौगिकों में तत्व कार्बन का होना आवश्यक होता है पूरी तरीके से, और रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन के यौगिकों का आप अध्ययन कर रहे होते हो, कार्बन के कंपाउंड्स का आप स्टडी कर रहे होते हो, वो कार्बनिक रसायन कहलाता है। श्रृंखलन, दोस्तों श्रृंखलन या जब कैटिनेशन को लेकर के आप बात करते हो, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब होता है जुड़ना, एक आम भाषा में आप समझ लो। इन सब चीज़ों को पढ़ने के बजाय आप सिंपल सा ये समझो कि कार्बन, ध्यान दीजिएगा, आप कार्बनिक रसायन पढ़ रहे हो मतलब कार्बन के बारे में चीज़ें होंगी, कार्बन का कार्बन के साथ में जो जुड़ना होता है एक बंध के साथ में, भाई पढ़ते रहिएगा, कार्बन का कार्बन के साथ में, डबल बंध के साथ में, या कार्बन का ट्रिपल बंध के साथ में, ठीक है, C2H2 करके जब आप देखो ना एसिटिलीन तो ट्रिपल बंध देखने को मिलेगा। आप मीथेन को ले लो C2H6, उसमें लो आपको ये बंध देखने को मिलेगा। तो क्या होता है, आप क्या कर रहे हो, कार्बन कार्बन के बीच में जो इस तरीके से श्रृंखला जो देखने को मिल रही है आपको, ये श्रृंखलन या फिर जुड़ने का गुण कहलाता है, इसी को कैटिनेशन बोलते हैं। बाकी आप डिटेल में यहां से पढ़ सकते हो कि एग्जैक्टली चीजें है क्या। दोस्तों 18 नंबर सवाल था कि प्रारूपी पुष्प का चित्र बना करके उस पर लेवल कीजिए, बताइए प्रारूपी पुष्प का चित्र। देखिए आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, 2 मार्क्स का है, आप बताइए थोड़ा सा और उसके बाद चित्र बना करके आप छोड़ दीजिए, आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, केवल लेबलिंग करनी है। देखिए लिखा हुआ है उसे लेबल कीजिए बस, ठीक है, तो आप अच्छे तरीके से जानते हो जो पुष्प है वो वास्तव में पत्तियों का ही रूपांतरण होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपने डंठल के पुष्पाशन पर लगा होता है जिसे पुष्प विरंत बोलते हैं, जरा इसको पढ़िएगा, बाकी चीज़ों को तो आप देख ही सकते हो। ये चित्र आपको अच्छे तरीके से याद होगा, DL.ED सेकेंड सेमेस्टर के जो है साइंस में ये चित्र मैंने आपको बताया हुआ था, ठीक है, वहाँ पर एक एक चीज़ें, यहाँ पर देखिए आपका जो है किस तरीके से बना हुआ है वाह दलपुं, सबसे मेन चित्र आपका ये वाला है और इसी से अगल बगल के चित्र आपके बने हुए, तो समझते हैं पुंकेश्वर, ठीक है, जो पुरुष वाला जो भाग होता है मेल वाला जायांग, ठीक है, या स्त्री केसर जो है जिसको बोलते हो आप स्त्रीलिंग वाले, उसमें जो है पुतंतु करके लिखा है यहाँ पे। ये वाह दलपुंज है, पुष्प वृंत है, पुष्पाक्ष है, पुष्प का अक्ष बोलते हैं इसको आप। वाह दलपुंज कुछ ऐसे देखने को मिलेगा, भुजा या नखर करके, या दलपुंज कुछ ऐसे देखने को, पत्ती जैसा आकार होगा इनका, ठीक है,
इनको आप बना सकते हो। और यहाँ पर देखिए इन्होंने जायांग को अलग कर दिया है और अंडाशय की एक अनुप्रस्थ काट बनाई है। जायांग जो स्त्री केशर के वाले पार्ट का होता है, वर्तिकाग्र सबसे ऊपर लिखा है, वर्तिका एक जो एक नली जैसा आकार, अंडाशय पुष्प वृंत पुष्पासन, पुष्प का आसन जहाँ पर पुष्प जो है वो रखा हुआ होता है, ठीक है। और ये पुमंग है, ठीक, पुमंग जो आप बात करते हो पुमंग और जायांग को लेकर के बिल्कुल वैसे ही। तो दोस्तों ये था जो है जब आप बात करते हो एक पुष्प के जो है चित्र को लेकर के पूरी तरीके से, या फिर आप कह सकते हो कि एक प्रारूपी पुष्प का चित्र और यहाँ पर लेबलिंग भी करके बताई गई है। आशा करते हैं कि यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो और लोगों के साथ में भी आप शेयर कर दीजिएगा। जो नए हैं इलेक्ट्रॉनिक स्टडी चैनल पर, इलेक्ट्रॉनिक स्टडी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही वीडियोस आपको मिलती रहती हैं। रेड बेल आइकन दबाना बिल्कुल से मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन की बटन होती है तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे किसी एक नए जो है टॉपिक को लेकर के, किसी एक पेपर के सॉल्यूशन को लेकर के। शुक्रिया आप सभी का, तब तक के लिए।